सबसे पहली चीज़ तो ये फ्रॉड से आपने बचना है। हर कपड़ा लेकर और फिर आप बहुत अच्छे दामों कराची में सेल कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कपड़े के बिज़नेस में होगा। तो आपको धोखा हो सकता है, जिसमें आपको कहा जाता है कि 600 का कपड़ा आप 2000 में बेचें, ऐसा नहीं होता है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपने फैसलाबाद में किन किन जगहों से कपड़ा ख़रीदना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद काशिफ, मोटिवेशनल स्पीकर। जो लोग ये चाहते हैं कि कपड़े का बिज़नेस करें, तो वो ज़्यादातर फैसलाबाद से कपड़े को ख़रीदते हैं और यहाँ पर सस्ते दामों बेचते हैं। अब जो लोग नए लोग हैं वो फैसलाबाद जाते हैं और वो समझते हैं कि फैसलाबाद एक बहुत ज़बरदस्त होलसेल कपड़े की मार्केट्स हैं वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। पूरे फैसलाबाद में होलसेल की मार्केट नहीं है, ज़्यादातर रिटेलर बैठे हुए हैं जो कि अपने आप को होलसेलर कहते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं तो उनका तरीक़े वारदात ये होता है कि वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कराची से आया है, और उसके बाद फिर वो आपसे बड़ा अच्छे तरीके से बात करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड वगैरह करके, और चूँकि अब आप यहाँ पर YouTube के चैनल्स देखकर जाते हैं तो वो पेड प्रमोशंस उन्होंने ली हुई होती हैं, आप उन्हें देखकर जब जाते हैं वहाँ पर तो उन पे आप बड़ा ट्रस्ट करके जो है वो कपड़ा लेते हैं। वो एक दो कपड़े आपको चेक कराते हैं, उसके बाद चूँकि वो होलसेलर अपने आप को कहते हैं तो वो एक पीस आपको नहीं देते, वो कहते हैं हर कलर का आपको जो है ना 6-6, 7-7 पीस मिलेंगे। तो एक आध जो आप कपड़ा चेक करते हैं वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर जो जाहिर बात है आप हर कपड़ा तो नहीं चेक करेंगे, फिर कोई 50 पीस ले लेता है, कोई 20, कोई 30, तो वो पूरा पैक कर करा के और फिर जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यार उनके साथ तो फ्रॉड हो गया है। अब जब फ्रॉड हो गया है तो अब दोबारा तो जा नहीं सकते, इतना मुश्किल आसान नहीं है दोबारा जाना, और अगर आप चले भी आएंगे तो आप उनका वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। और जब आप यहाँ से फ़ोन करेंगे तो वो साफ़ मना कर देंगे, भाई देखें हमसे तो आपने नहीं लिया, हमें तो ऐसा कुछ नहीं याद है, हम तो ऐसे नहीं हैं ये वो। तो जब भी आपको कपड़ा लेना हो फैसलाबाद से तो बहुत सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये फ्रॉड से आपने बचना है। हर मार्केट जो है वो होलसेलर मार्केट नहीं है, वहाँ पर रिटेलर बैठे हुए हैं जो कि आपको जो है वो चूना लगा रहे होते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो जगहें बताऊंगा और ख़ुद अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जहां से आप अच्छा कपड़ा ले सकते हैं और आप वहां से वो कपड़ा लेकर और फिर आप बहुत अच्छे दामों कराची में सेल कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कपड़े के बिज़नेस में होगा। लेकिन अगर आप YouTube चैनल देखकर और पेड प्रमोशन देखकर चले गए तो आपको धोखा हो सकता है, जिसमें आपको कहा जाता है कि 600 का कपड़ा आप 2000 में बेचें, ऐसा नहीं होता। 600 का कपड़ा 2000 में आप बेचेंगे आपको लोग ऐसे ही पकड़ लेंगे, इतना नहीं होता है कि 600 का कपड़ा, आपकी कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी है कि 600 का कपड़ा आप 2000 में बेचेंगे। तो 600 का कपड़ा भाई ज़्यादा ज़्यादा आप 800-900-1000 में बेच सकते हैं, 2000 में नहीं बेच सकते, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छा, कपड़े की तीन क्वालिटी होती है, एक बिल्कुल लो क्वालिटी होती है, एक मीडियम होती है, एक हाई क्वालिटी होती है। तो वो आपको बिल्कुल लो क्वालिटी देते हैं, जिस और बिल्कुल लो क्वालिटी दिखाते वो आपको हाई क्वालिटी है या मीडियम क्वालिटी है, लेकिन जब आपको वो पैक करके देते हैं तो वो आपको बिल्कुल लो क्वालिटी देते हैं। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपने फैसलाबाद में किन किन जगहों से कपड़ा ख़रीदना है, और या फिर आप ऑनलाइन, अच्छा ऑनलाइन आप यहाँ मंगाएंगे तो आपके साथ तो और डबल फ्रॉड हो जाता है। ऑनलाइन जब आप मंगाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही बेकार कपड़ा आता है, ऐसा नहीं है। चूँकि पेड प्रमोशंस होती हैं, आपने फ़ोन किया भाई मुझे आप, मैंने यूट्यूब से देखा है आपका और मैं ऑनलाइन मंगाना चाह रहा हूँ, तो वो कहेंगे ठीक है 50,000 रुपये आप डिपॉज़िट कर दें, आपको हम यहाँ से भेज देंगे। वो आपको भेजेंगे बिल्कुल ख़राब कपड़ा होगा, आप उससे वापस भी नहीं कर सकेंगे। तो आपको अच्छा कपड़ा लेने के लिए किन मार्केट में जाना चाहिए, किस जगह से, कौन से ब्रांड, अच्छा कुछ ब्रांड भी ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छी सेल्स लगती हैं, तो वो ब्रांड ही से आप किसी मार्केट से ना लें, आप उस ब्रांड से भी कपड़ा ले लेना तो भी आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कहाँ से कपड़ा लेना चाहिए या किस ब्रांड से आपको कपड़ा लेना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए।
तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने इस तरह से किसी पे अंधा इत्माद नहीं करना और इस तरह से आपने कपड़ा नहीं लेना फैसलाबाद से, क्योंकि हर कोई होलसेलर नहीं है, बहुत ज़्यादा रिटेलर वहाँ पर बैठे हुए हैं और चूना भी बहुत लगाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।